चुनावों में करारी हार के बाद राजस्थान कांग्रेस में उठा पटक लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तलखी साफ देखने को मिल रही है। पहले अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए बयान दिया और अब सचिन पायलट ने कहा है कि हार की जिम्मेदारी हर स्तर पर तय होनी चाहिए। सचिन पायलट ने दावा किया है कि उन्होंने 50,000 बूथों से हार पर रिपोर्ट मांगी है। बूथ वाइज रिपोर्ट मंगाया है, लोकसभा चुनावों में कितनी वोट मिली, क्या कारण रहे, तो बूथ लेवल तक हम लोग 50,000 बूथ हैं उसका हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका फिर सर्वे करने के बाद किसी परिणाम में पहुंचेंगे। लेकिन देश भर में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से काफ़ी कम सीटें मिली हैं, चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि और अंदर तानखाने तक इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उसका आकलन कर विश्लेषण करके जल्द से जल्द हम लोग एक नया रोडमैप तैयार करेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता भवानी की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवानी, पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा, अब सचिन पायलट के बयान से लग रहा है कि इशारों में वो भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि पूरा बिल्कुल खुलकर आमने सामने आ चुके हैं कि दोनों के समर्थक, सचिन पायलट के समर्थक जो एमएलए हैं, कल पीआर मीना जिस तरीके से आए हैं और उन्होंने अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री होते तो ये स्थिति नहीं होती है। तो अब तो ये बिल्कुल छुपा हुआ मामला नहीं है कि दोनों के बीच में बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके। और सचिन पायलट ने जो अब जो रिपोर्ट मांगी है, बूथ वाइज रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने कहा कि रिव्यू करेंगे एक एक सीट का करेंगे क्या किस वजह से हार है। तो अब ये सीधा सा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो दोनों तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरफ से एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त देखने को मिल रही है राजस्थान कांग्रेस में। शुक्रिया भवानी इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच कांग्रेस विधायक पीआर मीणा ने भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीआर मीणा ने दावा किया कि गहलोत की वजह से ही कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। विधायक पीआर मीणा ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। जब सारी राजस्थान की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की होती है, वैसे तो ठीक है, किसी के ऊपर डालो आप।